बोर्ड में देखो टू डेटर्स और टू आरडीए में फर्क क्या बताओ? एक एफपीडीए एक एनआरडीए। एनआरडीए तो अलग से दिखाने का, इधर भी अलग से माइनस करने का। इट्स अ लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड बैड डेट है, ये एक्चुअल बैड डेट, गया पैसा, डेटर गॉन, समझा? फॉर एफपीडी यू राइट टू डेटर, फॉर एनआरडीए यू राइट टू आरडीए। बोलो और नेक्स्ट क्या है? कितना? नेक्स्ट और कैसे शेड्यूल करना है वो देखो। बैलेंस ऑफ नंदूस कैपिटल वाज ट्रांसफर टू लोन, लिया हुआ सो टू नंदूस लोन 26 पैसा देना बाकी है, टोटल 124 800 एसेट बोलते जो क्या है 20 50 मशीनरी जर्नल नहीं है इसमें, गुडविल क्लियर है सबको। अभी हम लोग एक ऐसा पैटर्न करने वाले हैं जो आपको 12th में एडमिशन में भी वैसे, एडमिशन में भी वैसे 12th अपना सीएमए फाइनल था
लिखो थ्री वैल्यू डिवाइडेड बेटर उधर भी चलता है बट उधर लिखो सीएमए सीएमए27 देखो ध्यान से मॉड्यूल सम अगेन कड़क सम मस्त एकदम सत्यम शिवम एंड सुंदरम ऑफ मेसर्स ग्रेट स्टेशनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:2 अभी कुछ से ट्राई करना ये भी जर्नल में डिस्कस करूंगा ऑन 1 April 2020 शिवम रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 20,000 द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म तो वैसे भी नहीं दिखता है नहीं जी ध्यान से पहले सुनिए बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड एट 20% लैंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड सॉर्टेड है वो थर्ड पॉइंट में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को थर्ड पॉइंट पढ़िए आप लोग इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन तो लोन देखो कितना है 75,000 मिला नहीं नहीं वो एक्चुअली अमाउंट है ना ऊपर नहीं हो गया देखो एक अमाउंट का अलाइनमेंट है ना रिजर्व 80 है लोन फ्रॉम सत्यम 94 है और क्रेडिटर 75 है मिला और इन्वेस्टमेंट ये सही बराबर है इन्वेस्टमेंट सर 85 सो गाइस सीन क्या है सत्यम का लोन जो है सुन रहे हो इज 94 सत्यम्स लोन इज 94 एंड इन्वेस्टमेंट सर 85 एंड उधर थर्ड पॉइंट पे दिया कि इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन तो लोन को कम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट कर रहा है उसको लोन के सेटलमेंट में दे दे क्योंकि ये थोड़ा एम्बिगुअस है पता नहीं चल रहा है ना क्या घटाने का क्या बढ़ाने का तो लोन को घटाने का नहीं लोन सेटलमेंट डिस्काउंट वगैरह दिया है ना तो लोन को घटाने का अदरवाइज क्या अज्यूम करने का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ पहले याद है एसेट टेकन ओवर हेलो तो कैपिटल टू एसेट होता है इधर एसेट टेकन ओवर नहीं है सीधा एक लायबिलिटी और एक एसेट सेटअप हो रहा है सुन रहे हो तो पहले क्या करना है सुनो इन्वेस्टमेंट्स 85 का कितना होएगा तो उसका एंट्री होएगा इधर बाय इन्वेस्टमेंट्स और फिर अभी वो भी 94 हो गया ना सुनो इन्वेस्टमेंट को लोन के साथ सेट ऑफ किया क्या एंट्री करो लोन टू इन्वेस्टमेंट्स कैश दे रहे तो लोन टू कैश एसेट कोई और दे रहे तो लोन टू इन्वेस्टमेंट विल दैट एंट्री अपीयर कहीं पे भी नहीं लेकिन बैलेंस शीट से क्या होगा दोनों गुल हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट एज वेल एज लोन डू यू अंडरस्टैंड ये एसेट टेकन ओवर नहीं है टेकन ओवर में कैपिटल कम होता है यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी कम हुआ तो लोन घटा और इन्वेस्टमेंट घटा बात समझ में आई हेलो पहले क्या करने का इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया कितने से बढ़ाओ तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना 9,000 85 का 94 हुआ फिर वो इन्वेस्टमेंट उठा के सत्यम लोन को दे दिया तो लायबिलिटी भी घटा और इन्वेस्टमेंट भी घट गया
एंट्री क्या है? लोन टू इन्वेस्टमेंट. एंट्री क्या है? लोन टू इन्वेस्टमेंट. विल दैट एंट्री अपीयर योर इन द एनी ऑफ द लेजर? आइदर हैव लोन अकाउंट और हैव इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो दिखने वाला. लेकिन जर्नल एंट्री में दिखेगा. कहा दिखेगा? जर्नल में. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लेजर तो बना देते हैं, जर्नल में वो एंट्री खा जाते. आप याद रखिए, जर्नल में करवाने वाला हूं. ये एक ही एंट्री अलग है, बाकी प्रोविजन नॉर्मल है. रिवैल में आएगा, बट एक जो लोन टू इन्वेस्टमेंट का है वो नहीं. हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोन टू इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे लिखने वाला नहीं. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी 3 lakhs, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय सत्यम एंड सुंदरम इन द न्यू PSR विच इज 2:3. व्हाट इज दिस? नो, PCA. रिटायरमेंट में PCA कैसे करना है? विल यू हैव एनीवन्स बेस कैपिटल टू क्रॉस मल्टीप्लाई? मैंने 12th में भी किया था. रिटायरमेंट में अगर PCA है तो टोटल कैपिटल दिया होगा. टोटल कैपिटल दिया होगा. अब देखो, तीन पार्टनर थे. कौन गया? शिवम गया. तो सत्यम और सुंदरम के बीच में आज के बाद कितना कैपिटल रखना है? 3 lakh. 2:3 में मतलब 120, 180. आज के बाद पहले सीधा 120, 180. जो भी आया सरप्लस जब कैश, कैश करंट हो तो इधर कैश. समझा? रिटायरमेंट में सुनो ध्यान से गाइस, आगे भी ये कंसेप्ट आ रहा है CA में. रिटायरमेंट में अगर PCA करना है तो किसी का कैपिटल बेस होने वाला नहीं, वो एडमिशन में. रिटायरमेंट में टोटल कैपिटल दिया होगा, आपको खाली डिवाइड करना. या टोटल कैपिटल नहीं दिया तो ढूंढने का तरीका होगा, कुछ तो करके टोटल कैपिटल मिलेगा और मिलेगा, उसको डिवाइड करो, NR में डालो एंड देन सरप्लस और डेफिसिट. बैठा सब दिमाग में? चलो मेरे से पहले करके निकल. चलो पढ़ा. गुडविल कैसे करोगे? हाउ विल यू डू गुडविल? कम ऑन. OR माइनस गेन इन टू सैक्रिफाइस. NR में ही होता है. गुडविल के लिए OR माइनस NR करना है. PCA हमेशा NR में ही होता है. ओ भाई, गुडविल में डोंट अज्यूम OR इक्वल टू GR. That's wrong. OR दिया, NR दिया ना? No. OR माइनस NR पूरा. Come on. PCA is always running NR. OR माइनस NR करने का हमेशा पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन. सैक्रिफाइस नहीं. OR माइनस NR करो, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस. क्या? माइनस
या आया, दिस इज गेन, दिस इज सैक्रिफाइस, दिस इज गेन, एंड इनटू क्या करने का, इधर स्टैंडर्ड है सबका, इधर उल्टा जाओ मन, एनआर माइनस ओआर करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा क्या करने का, ओआर माइनस एडमिशन रिटायरमेंट एज सब में ओआर माइनस, तो उसमें क्या पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन, समझा, और सबको किससे, ये एक्चुअल है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करो, दिया ना टोटल वीडियो 1,20,000 मिला मिला आया, हेलो कितना आ रहा है, 12,000 सत्यम सुंदरम टू शिवम 18, 12, 30 इज दिस क्लियर, वीडियो आया समझ में, बराबर है 18, 12, 30 आया, स्टैंडर्ड मेथड कभी बैकफायर नहीं करता, कोई भी टॉपिक में यूज करो, ओ आर माइनस एन आर करो, कोई भी सम है, कोई भी सम में अप्लाई कर सकते हो, ओ आर माइनस एन आर एंड पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव है तो ब्रेक एंड मल्टीप्लाइड विद टोटल गुड गेनिंग टू सैक्रिफाइस, वो अलाइनमेंट ऊपर नीचे होना की ध्यान रखना, यस कैपिटल एडजस्टमेंट क्या हो आवाज ना बीच वाला गया दक्षिण क्या बोल रहा हूँ टू 15, 50, 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 50
प्रपोज एंड कैपिटल एडजस्टमेंट टोटल कैपिटल इज 3 लाख टोटल 92 छे रिटायरिंग क्वार्टर का लोन है प्रयोग करो 20,200 ये सारे बड़ा है 86,000 याद है 3 तरीके ना बैंक करंट और लोन अभी फिलहाल हम लोग बैंक से कर रहे हैं हाउ मच 86,000 और इसका क्या सीन है डेबिट बढ़ा है 192 आया 20,000 तो बाय बैंक आएगा है ना कितना और इसका लोन टोटल 2,079 समझा 2,090 पीसीए समझ आया पीसीए के बाद करस्पॉन्डिंग एंट्री टू बैंक का बैंक में बाय सत्यम 86,900 एंड बाय बैंक का टू सुंदरम और फिर बैलेंस कितना रहा बैंक का बैलेंस ये एसेट बोलते जाओ कितना कितना प्लांट एंड मशीनरी 1,44,000 डेटर्स 64,000 नेक्स्ट